नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस एसीएफ सौम्य महापात्र मृत्यु मामला खैरारे छजणिया तदंतकारी टीम सौम्यों परिवार और संपर्कों को पचराउचरा अपराह्न कप्तिपदा जाई विद्याभारती को जेरा करिब तदंतकारी अधिकारी दीर्घ दिन पर राज्य में 1700 तले दैनिक पॉजिटिव संख्या 24 घंटा 1648 आक्रांत चिन्हट सेबे पुणी 58 जनक जीवन नेला भाइरस खोर्धारु सर्वाधिक 19 मृत्यु आजु सारा राज्य में बस सेवा आरंभ कोविड कटकणा भितर बस चलाचल मिली अनुमति मे 5 रु यातायात उपरे लागिथिला कटकणा अनेक बस रे यांत्रिक त्रुटि थिबारु आज गड़ब 2-3 हजार बस आज संसदर मौसुमी अधिवेशन उपस्थापित हो पारे 23 गुरुत्वपूर्ण बिल शांतिपूर्ण और गठनमूलक चर्चा पर मोदी आह्वान सरकार को घेरवा को विरोधी रणनीति आसंताकाली महाप्रभुंक बाहुडा यात्रा जन्मवेदी छाड़ी रत्नवेदी को बाहुड़े श्रीजीव राति 8 रु पुरी 48 घंटिया कर्फ्यू सिल होगा सबु प्रवेश पथ हो सिल सेबे नवमी संध्या दर्शन वंचित हेले भक्त एवं योजन दुर्नीतिर गंध ठिकादारों पाखे बंधा पड़ी नियम कानून टंका सरला किंतु सरुनी घर नवरंगपुर झरिगारु आसला संगीन अभियोग आज आरंभ हो मौसुमी अधिवेशन संसद मौसुमी अधिवेशन सीधासलख नहीं चलु स्वीकर मौसुमी अधिवेशन में पारित हो पारे तत्सत जहाँ सूचना आसूरी जो प्रधानमंत्री गत काली सर्वदलीय बैठक डाकि समस्त को सहयोग करने को आसदी खबर को एसीएफ सौम्य महापात्र मृत्यु मामला खैरारे पहुंची परलाखीमुंडी थानार छजनिया तदंतकारी टीम एक टीम सौम्यों परिवार और संपर्कों को पचराउचरा करम अच्छा पारलाखीमुंडी थाना अधिकारी विवेकानंद स्वाई और एसआई त्रिनाथ पटनायक समेत अन्य 4 जन अधिकारी सौम्यरंजन बासभवन में परिवार और संपर्कों को घटना संपर्क में पचराउचरा कर तदंत पर आज कप्तिपदा जा मृत सौम्यों पत्नी विद्याभारती को जेरा करीम पचराउचरा बेले पुलिस को मिलपे अधिक सुराग आम आज आसी पहुँचीचु खैरारे एट बेगुनिया आम सौम्य बाबू घर आसी पहुँचीचु आमर तदंत चालू रही आम आज तर माई एवं माँ एवं अन्यान्य सांगसाथी जो मैंने भी अच्छा से मानक पचरा पचरी करूँ आम कप्तिपदा जीव एवं इन्वेस्टिगेशन चालू रही आम कनक्लूजन न पहुँचा पर्यंत किसी कहीहबन कहीं इन्वेस्टिगेशन स्टेज अच्छी आमे केस रजिस्ट्रेशन दिन आमे ही इन्वेस्टिगेशन चालू रही फोरेंसिक टीम आसवा आउ कंप्लेनेंट फैमिली मेंबर्स को एग्जामिनेशन करवापर आम आज पहुँची नहीं देखो आम स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन चालू रही गोटे यहाँ गोटे स्टेप आम आस पहुँचीचु तापर जीए जीए इन्वेस्टिगेशन को आसवे जहाँ जो जो मान एलिगेशन है निश्चय आम इन्वेस्टिगेशन को आने कहीं कह बाहर भांगी दि मोर एने गोटे अच्छी मुझे हाँ बाहर भाई हेटू ये कहला मुझे भांगीबी हाँ मैंने तू हेटी हाँ कहलु आदि कहू तू कह मोर गोटे पीस पलि जाइए मो बाप चाहिए मो मुँह मुझे चाहू ना घर भितर शखा चुड़ी भांगी मुंड सिंदूर पोछी पोछिक पल जाए खोजी खोजला ये पाई ना जा घर ये से कुकर्म देखी गुड़ाटा संपूर्ण मिथ्या हत्यामूलक षड़ स्वामी स्त्री दी जन थे स्वामी मरीगला स्त्री जान पारे तेणु स्त्री आम ये स्वामी स्त्री थी सागर जन डॉक्टर रेफर करसी की जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते आउ जन डॉक्टर रेफर कर एसीबी की यही दिगटा को पुलिस तदंत जदि कर किए प्रवर्तला तेल जना पड़े पुलिस ता तदंत जो जो नुआ नुआ जिनस आसूची आगे
ସେ ଦିଗରେ ଯଦି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପୋଲିସ ତା ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ କରୁଛି। तो एने अधिक सुनापी सीधासलख खैरा नहीं चलु अच्छा प्रतिनिधि मनोज प्रधान। मनोज, पारलाखेमुंडी पुलिस और तदंतकारी टीम आज सौम्य घर पहुंची थे, पचराउचरा कर क्लू पाई पुलिस सौम्य पर देखो। अपूर्व आम बर्तमान अच्छे सौम्यरंजन घरे पारलाखेमुंडी छजिया टीम बर्तमान आसी घर पर लोक पचराउचरा कर दसटा समय ठीक घरे आसी पहुँचे और घंटा बीतीगला पचराउचरा जारी रही। आम अच्छु से घर सामने अच्छा सहित आम सहित अच्छा समीर रंजन मामू अच्छा प्रतिक्रिया टी नहीं पूर्व आज्ञा जो छः दिन है आपण भणजा मृत्यु हो सन्देहजनक तदंत के पर्यटन जाए कौन घटना था पूर्व आपको भणजा विषय कौन सूचना देते भणजा सूचना जहाँ दे माँ को देता ता माँ हूँ माई की माई को दिन फोन करता माई मत थे कही एमती पपू कांदुची कहीं तुम टे बुझ एटा मुँह आस नानी पचार नानी कौन पर पपू कांदुची ना ना से कौन पर कांदुची ना मुझे मत कौन कह पा ना ना कि ना से सब कथ मेटिगला ना मुझे बापा माँ कहते जिमी गले कथा को ना आलोचना करा कौन है मत को ना 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 पपू मना कर दिया किसी आलोचना करनी कौन गोटे नागरिक पार्टी से मेटी जाए देखो घटना को छह दिन सात दिन हो गलाजन क्या गिरफ्त कर केवल मामला रुजु हो डीएफ को पचरा उचरा कराए कौन कहे ना मुझे आज गणमाध्यम मध्यम जन कहवाक चाहूँगी डीएफ को अन्य विदा ट्रांसफर करूँ चाकर बहिष्कार करूँ कले ये ये हूँ इनक्वारीटा ठीक ढंग से हम जेहेतु सी हूँ विराट काय हस्ती जो फिस्ट होता एवं फिस्ट आलोचना फिस्ट भितर आम पुओ मरू आम पुओ तो गोटे ये चतुर्थ कर्म कर्मचारी नुहे जदि डीओ पुओ फिस्ट कले कलेक्टर को निमंत्रण करागला कि आम डीओ आम पुओ कहीं निमंत्रण है ना जदि निमंत्रण है ना से तो रोषेवास आम आम घर आवाक नाला जदि रोषे है से पूजारी रोषे खाद्यपेय क्या कति नहीं जाऊे जो मैडम गणमाध्यम कहले मु खाद्य नहीं जाम पूजारी नहीं जाऊला से क्या गति सब नहीं आता से मांस होता कलेक्टर निजे दौड़ी आसिक आम पुओ को रक्षा कर जो घर काढ़ नहीं मेडिकल पकई तेणु ये रोषेटा कौटी होता ये सब मिछ कथा आम पुओ को संपूर्ण रूप मारिक आनी फिंगी गणमाध्यम समस्ते देखी क्या तदंत परिश्रम ने सत्यता आस संपूर्ण आम बहुत संपूर्ण दायी और गणमाध्यम कहवाक चाहूँगी से आम निज बो को धरिकी आने थाना आणिक पचारे सी सब कथा मानिजी एवं पूजारी सब जान पूजारी डिटेल जाणी ये घटना कौन देखो घटना को सात दिन बीतीगला कौन का गिरफ्तार कर पुलिस तदंत पर खुशी अच्छा तदंत तदंत पर मुझे संपूर्ण भाव खुशी अच्छी मत एसपी भेटी थी एसपी कथ अनुसार से कम करेतु ये पारलाखेमुंडी बालेश्वर ये मुंडूर से मुंड विराट रास्ता अधिक हो जाए आम आम घर गोतर पारलाखेमुंड है 500 किलोमीटर आम जा दु दिन डेरी करो आज पछे भय चलती कि मो पूर्ण मात्र विश्वास अच्छी गणमाध्यम मध्यम मुझे कहवाक चाहूँगी जो छुआ को माननीय मुख्यमंत्री जयद भवन में चाकरी देते राज्यपाल गोल्ड मेडालीस्ट देते सी छुआ जदि पोड़ की मरीज तेल साधारण लोक कौन बचे जो जगार से मरीज से मरवर प्रश्न उठू ना केस जन आईओ अच्छा आईआईसी डीएफ ना मामला है डीएफ जन हाई रैंक ऑफिसर हाँ आईआईसी तदंत ठीक से करेंगे भाव से गणमाध्यम जनाऊँगी आईआईसी डीएफ को ये विदा करूँ ना सस्पेंड करूँ इनक्वारी कराऊ ठीक भाव इनक्वारीटा हम जेहेतु से विराट काय जंतु इनक्वारी करा भितर करना तेणु सी अफिस्र सब गेट टी चपाऊन आम ये घर गलु जिनपत आने चाबी खुलिले ना जन को क्या फोन कले स्टाफ और सेठी गणमाध्यम स्टाफ से चाबी चाबी बंदी आणु पकड़े गाड़बंद है किस घंटे पर सी चाबी खुलिले तेणु सी चाबी काठी जेत सी मरी तदंतकारी टीम पहुंची तदंत करीघ्र रहस्य पर्दा हटा नहीं आशा कर बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज प्रधान प्रतिनिधि सीधासलख गजपति एने अधिक सूचना देते तो संसदर मौसुमी अधिवेशन आरंभ हो सीधासलख नहीं चलु हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं सबको खुशी होती माननीय अध्यक्ष जी इस बार सदन में हमारे साथी सांसद
जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नव नियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें, ये उचित नहीं है। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें, ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको अच्छी परंपरा, निधन संबंधी उल्लेख, आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। ओबी के लिए बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री इस्कारिया थॉमस छठी और सातवीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पंची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अनीस ने 4 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में उपमंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्तार अनीस जी का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री श्यामाचरण गुप्ता ने 14वीं और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त, अधीनस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में
9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह ने इकोलॉजी और पर्यावरण विभाग में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले वे गुजरात विधानसभा में 2 कार्यकाल के लिए सदस्य भी रहे। श्री दिग्विजय सिंह का निधन 88 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 2021 को वांकानेर में हुआ। श्री अजमीरा चंदूलाल 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तेलंगाना के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री चंदूलाल मानव संसाधन विकास संबंधी समिति और श्रम कल्याण संबंधी समिति तथा एमपीलेट संबंधी समिति के सदस्य थे। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री अजमीरा चंदूलाल का निधन 66 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्री बची सिंह रावत 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रावत ने रक्षा राज्य मंत्री तथा साइंस और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री रावत इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री बच्ची सिंह रावत का निधन 71 वर्ष की आयु में 18 अप्रैल 2021 को ऋषिकेश में हुआ। श्री जगदीश सिंह राणा 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री राणा प्राकलन समिति तथा वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पहले वे 5 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जगदीश सिंह राणा का निधन 66 वर्ष की आयु में 19 अप्रैल 2021 को सहारनपुर में हुआ। श्री श्याम बिहारी मिश्र 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री मिश्र खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 1998 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री श्याम बिहारी मिश्र का निधन 82 वर्ष की आयु में 20 अप्रैल 2021 को कानपुर में हुआ। श्री सुरेश पासी 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चेल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पासी विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुरेश पासी का निधन 64 वर्ष की आयु में 20 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद में हुआ। प्रोफेसर दुखा भगत 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री भगत संचार समिति के सदस्य थे। श्री दुखा भगत का निधन 67 वर्ष की आयु में 23 अप्रैल 2021 को रांची में हुआ। श्री सुग्रीव सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने उड़ीसा के फूलबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री सुग्रीव सिंह का निधन 57 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 2021 को भुवनेश्वर में हुआ। श्री रामेश्वर पाटीदार 6वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पाटीदार पेट्रोलियम और रसायन, वाणिज्य, अधीनस्थ विधान और प्राकलन समिति के सदस्य रहे। श्री रामेश्वर पाटीदार का निधन 82 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश के धार में हुआ। श्री एम सत्यनारायण राव 5वीं, 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने तेलंगाना के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे आवास समिति के सदस्य रहे। श्री राव का निधन 87 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्रीमती करुणा शुक्ला 14वीं लोकसभा की सदस्य थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती शुक्ला कोयला और इस्पात समिति
तथा महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की सदस्य रही। श्रीमती करुणा शुक्ला का निधन 70 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को रायपुर में हुआ। श्री एस बी सिंह सिद्धनाल 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्य थे। उनका निधन 85 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को बेलगावी में हुआ। श्री एकनाथ एम गायकवाड़ 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई दक्षिण मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गायकवाड़ विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य थे। इससे पहले 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री गायकवाड़ का निधन 81 वर्ष की आयु में 28 अप्रैल 2021 को मुंबई में हुआ। श्री कमला प्रसाद रावत 8वीं और 14वीं लोकसभा से सदस्य, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रावत जल संसाधन और श्रम संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। श्री रावत का निधन 66 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल 2021 को बाराबंकी में हुआ। श्री लक्ष्मण गिलवा 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गिलवा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य, इसके पहले बिहार और झारखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री लक्ष्मण गिलवा का निधन 56 वर्ष की आयु में 29 अप्रैल 2021 को जमशेदपुर में हुआ। डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य रहे। इससे पहले डॉक्टर शाहबुद्दीन बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन का निधन सीधासल देखुले लोकसभा भवन सीधासलजा चित्र आसी पहुंचला संसद रु। आज मौसुमी अधिवेशन आरंभ हो संसदर। प्रथमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद अभिभाषण रखुवा बेले पर ओम बिरला बाचस्पति निधन होता विगत किसी मस मध्य निधन होता पूर्वतन सांसद मान शोक व्यक्त करुले। आसवा प्रति खबर को पुणी घर हस्पिटाल दादागिरी 1.5 लाख टंका बंधा पड़ी शव। 18 वर्षीय बालक सुभाष नायक शव बंधा पड़ी। नीलाचल हस्पिटाल 1.5 लाख टंका नदे शव नदेक जिद धरू हस्पिटाल। तो घर हस्पिटाल दादागिरी राजधानी में पुणी थे सामना को आसी 1.5 लाख टंका बंधा पड़ी शव। 18 वर्षीय बालक सुभाष नायक शव बंधा पड़ खबर आसी पहुंचुची। संतोष जेनाम प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचना। संतोष केत परिस्थिति सामना करुछन्ति परिवार लोके? देखते निशा अपूर्व पूरा 6टा बेलू बर्तमान सुभाष नायक जो 18 वर्षीय युवक अच्छा से मृत्युवरण करु। दुखर कथा जे 1.5 लाख टंका पाई नीलाचल हॉस्पिटल यूनिट 3 स्थित नीलाचल हॉस्पिटल सब को बंधा रखी कहीं आप जानते पूर्व जमी आम पूरा स्पष्ट भाव में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रो गाइडलाइन गोटे टंका भी पाई भी शव कौन प्रकार हॉस्पिटल कर्तृपक्ष अटके पारे ना। कि दुखर कथा जे वर्तमान सुधा शव अटकी कहीं घर हॉस्पिटल माने सरकार प्रोत्साहन में कि भाव में जो भाव में अमान्य काम करानविकता हरा या विरोध में कहीं भी प्रश्न उठा को वर्तमान समय क्षम प्रकाश करना। कि बड़ कथा हूँ बारंबार गणमाध्यम खबर प्रसारण हम थाना एफआईआर हम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री पर्यंत कथा गले जाने शव छाड़ कि बड़ कथा हूँ या उपरे पूरा स्पष्ट गाइडलाइन जितेबाला अच्छी कहीं हस्पिटाल मैंने ओहरुं कहीं अमान्य होती विभिन्न समय बुद्धिजीवी महल में गोटे चिंता प्रकट हो समस्त भावुंज सरकार अहेतुक अनुकंपा रोचे घर हस्पिटाल प्रति जो कि जी टा देदेला जी नदेला एभली समस्या सम्मुखीन होगा पड़ो। सबड़े परिवार लोके संपर्क में वर्तमान क्या जनई केत समय पर शव दिज्व एने पर हस्पिटाल करतृपक्षर किसी कहगला ना टंका ही दिगले शव छड़ा नड़ा ना निश्चित भाव हस्पिटाल करतृपक्ष पूरा स्पष्ट भाव में कहते टंका दे छड़ा यह पर्यंत छड़ा नहीं कि टंका दे छड़ा कि गाइडलाइन को मानि पूरा
ছাড়িদেবে কি সে ভুল স্বীকার করবে কি এপর্যন্ত কৌশি সেভাবে সূচনা মিলি পারুনি। কিছু সময় পরে আমার প্রতিনিধি রশান রথ হসপিটাল পৌঁছুচার কর্তৃপক্ষ সহ আলোচনা করে পাঁচ পরবর্তী মুহূর্তে কৌশি প্রকার নিষ্পতি হসপিটাল কর্তৃপক্ষ নেই পারন্তি যা আগামী সময় জনা পড়ব। অপূর্ব বহুত বহুত ধন্যবাদ সন্তোষ জেনাম প্রতিনিধি তমাম আপডেট দেখুলে যে রাজধানী ভুবনেশ্বর পুঁজি আসুচি ঘরোই হসপিটাল দাদাগিরি দেড় লক্ষ টাকা অঠর বর্ষীয় বাড়ক সুভাষ নায়কর শব বন্ধা পড়ছে। নীলাচল হসপিটাল দেড় লক্ষ টাকা নদেলে শব নদেওয়া জিদ ধরুছি হসপিটাল। দীর্ঘদিন পরে রাজ্যের সতেরশ তলে দৈনিক পজিটিভ সংখ্যা চব্বিশ ঘণ্টার এক হাজার ছশ অড়চাশ আক্রান্ত চিহ্নট হয়েছেন কিন্তু করোনা মৃত্যুরে ব্রেক লাগুনি পুনি অঠাবন জনক জীবন নেইছি ভাইরস এর খোর্ধারু সর্বাধিক উনিশ জন মৃতক রয়েছেন সেপরি বরগড় সাত গঞ্জাম পাঁচ বলাঙ্গীর চারি মৃতক রয়েছেন আজির সংখ্যাকে মিশাই রাজ্যের মোট করোনা জনিত মৃত্যু সংখ্যা পাঁচ হাজার শহে ষোহরে পৌঁছিছে। গত চব্বিশ ঘণ্টার কটকর সর্বাধিক তিনশ পঁয়ত্রিশ ও খোর্ধার দুইশ তিরিশ পজিটিভ চিহ্নট হয়েছেন সেইপর যাজপুর শহে তেহর জগৎসিংহপুর শহে বার অনুগুল অণানবে বালেশ্বর তেয়াশি আক্রান্ত রয়েছেন। তবে রাজ্যের বর্তমান সংক্রমণের গ্রাফ তলমুয়া হয়েছে যা আকলন করেছিল সেই অনুযায়ী সংক্রমিত সংখ্যা কমিবার লাগিথিবা কইছেন্তি জনস্বাস্থ্য নির্দেশক নিরঞ্জন মিশ্র। কেস লোড ও সংক্রমণ হারের উন্নতি আসুছি রাজ্যের কিছু জেলার এবে স্থিতি প্লাটো স্টেজে রয়েছে এথিপাই আতঙ্কিত হবার কোণী কারণ না থার্ড ওয়েভ আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত টেস্টিং ট্রাকিং ট্রেসিং ও টিকাকরণ গুরুত্ব দিয়া যাচ্ছে এসহ টেস্টিং ল্যাবরেটরি বড়া যাচ্ছে। সমস্ত কিছু আরগস আপডেট কু এটি রাখুছু মতো বিদায় দিও নমস্কার।